भाई देखो ये भी आईफोन चक्की फिर दिया बाबे, लिविंग स्टैंडर्ड देख लो। देखो ये क्रोशिया फुर रही है, आमलेट बना रहा है पापड़ जे ऊपर। पर्स जे मेनू बड़े घंट लगे यार। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। ता आपा दिखाण जा रहे हैं सानू अज दालत दी नाइट मार्केट, बड़ी सोहनी है। फूड मार्केट भी है, बाकी होर भी कुछ है। तो आपा जा रहे हैं सिटी दा डाउन टाउन ते मेन एरिया रात नू एक्सप्लोर करन। ता रात दा माहौल देख लो, सड़कां ते रौनक लगी पई है। बाकी मार्केट एक्सप्लोर करने वास्ते तुसीं आ गड्डी 'च चढ़ के भी जा सकते हो, ये भी चलदियां ने। उरे फाइनली आपां पहुंच गए दालत दी नाइट मार्केट 'च। बड़ी फेमस नाइट मार्केट है उरे, सानू चूचियां तों लै के खड्याउणियां तों लै के पेचकसां तों लै के वड्डे वड्डे संद सारे मिल जाणगे। तां बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, मेले जिन्ना घट है। जिवें मैं मेले 'च जाया करदा बस उही फीलिंग है। खाण पीण नूं भी बहुत कुछ है, तां उरे खड्याउणे खडूणे ने जदों तुसीं देखदे हो, छांपां छल्ले लड़ियां छड़ियां, तुसीं कुछ भी बाय कर सकदे हो। देखो काफ़ी कुछ है ऐसे, खरीद भी रहे ने आ छोटे छोटे जवाकों वाले। इधर लीड़े लप्पे आ गए यार, देखो पूरा तगड़ा माहौल है। आ मच्छी है, मे बी ड्राई मच्छी कुछ है गया। बाकी कोटियां कुटियां बड़िया घट ने यार उरे, वाह मतलब सब तगड़े लैवल का है। जिहड़ी होची मी सिटी च मैं बेंथन मार्केट गया सी, वह मार्केट नालों वधिया स्टफ है उरे, क्योंकि उरे सारा कुछ सूती ऊनी कपड़ा है। देखो तुसीं सारे जणा बड़े सोहणे ने यार, देखो कोटियां काटियां जीआं बड़ा कट है। मोस्टली जिहड़ियां उरे दुकानां ने सियाल वाले कपड़िया दी है, तुहानू पता ही है उरे पहाड़ ने तां उरे मौसम ठंडा ही रहिंदा है, तां करके जिन्नियां भी दुकान ने उरे कोटियां स्वैटर अपने उपर लाटरम पाटरम सारा कुछ है, चाहे जनानियां दी हुण हुण उही जंगाड़मेंट है सारा। कि इत्थे फूड मार्केट भी, इहदे विच तुसीं फूड फाड़ भी इंजॉय कर सकदे हो। तो ये एक साइड से फूड मार्केट आ गई, उरे बह के लोग खाना पी रहे ने, खा रहे ने खाना। आ देखो चाह है, शायद चाह है पता नहीं कॉफी है, जमा सेम चाह वाला रंग है। तो आ इतने गुलगुले जे टाइप कुछ है ना, आ बड़ी घंट चीज़ होंगी यार, मैं पहला भी ट्राई की है। बाकी उरे जवाकों दी टोपियां टापियां छोटे छोटे बूट घंट मिलते हैं यार, तो घेंट है। आ देखो किन्ने छोटे छोटे बूट जे ने उन्नी, जिवें अपने पटियाले जा लुधियाने वो तिब्बती आंदी मार्केट नहीं लगती होंगी, जिवें वो कम है। आ बेबे बैठी अपनी तो उरे लै भी रहे ने लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है उरे। आ देखो इंडिया वाली वरायटी कुकड़ी पई है अपनी, छली नाल शकरकंदियां पईयां ने, देखो ये भी तुसीं घुम खा सकते हो। शकरकंदियां मेनली बाहर बिहार च बहुत होंदियां ने। आ पर्स जे मैनूं बड़े घेंट लगे यार, इन्हां दा डिजाइन डिजून जा तुसी देख लो, सारे का मतलब पुराना जहा डिजाइन जेन्युइन जे लग रहे ने। आरे चौल तो कोई डिश बना रहे ने, देखो बड़ी घेंट, जिवें अपने लड्डू नहीं होंगे गोल गोल भूपने उमें। बाकी आ उरे दा लोकल फूड है जिवें पापड़ जे, आ पापड़ टाइप है एक, ये ट्राई करके देखिए। आ देखो बाबे ये आमलेट बना रहा है पापड़ जे दे उपर, है ना पापड़ जे दे उपर। देखो इन्हें अंडा पाता ते आ मीट वाले ने शायद उपर म्यानी सॉस पाती, ते आ अंडा ही बनाने दा इन्हां दा लोकल स्टाइल है, ते कोले शकरकंदियां भी पईयां ने। तां आपां लोकल डिश ट्राई कर रहे हां, तां इन्हां ने भूपना जिहा करके देता ये 70 रुपयां दा है, 25,000 डोंग दा, देखदे हां टेस्ट। ये मीट भी पवा सकते हो तुसीं पर मैं पवाया नहीं। ये जो बेस है पापड़ जो डोसे वर्ग है, आमलेट वधिया है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है, बड़ा टेस्टी सी यार वो जड़ा आमलेट जहाँ से इन्हे स्टाइल च। फीलिंग इंडिया वाली सी कारण, क्योंकि उन्हें रैप करके भी न्यूज़पेपर च दिता, अपने इंडिया च भी है ना न्यूज़पेपर च ही रैप करके दे देते ने स्ट्रीट फूड वाले, तो टेस्ट सेम ही आया, उदा भी बड़ा बड़ा ज्यादा स्वाद सी है ना। आ देखो और पौड़ियां जी ने, जिमें जामा मस्जिद अगे ने ना बैठ जाते ने उत्थे लोग, उही माहौल जहा है। तो उरे नर्सरी आ गई ते फुल बहुत ने, इहदा भी एक कारण है क्योंकि पहाड़ ने तो उरे फुल्लां दी बैली है। तां जिवें अपने जदों मीट नूं बारबीक्यू करदे आ चिकन नूं, तां विचों सब्जियां सुब्जियां पा दिंदे आ ना, ते उरे भिंडी पाई हुई है, शायद सी फूड है पता नहीं चिकन है, समझ नहीं मैनूं आ रहा, पर इन्हां ने भिंडियां मैनूं दिख रहियां ने। देखो भिंडियां सब्जियां भी उरे बहुत हुंदियां ने, उह सी फूड है जिवें लॉबस्टर वर्ग है कुछ। बाकी उरे रेट बड़े जेन्युइन ने, आ एडिडास दा अपर जिहा टाइप है है ना, तो यदा रेट है 400 रुपया, अपने नॉर्मल पंजाब च किधरे भी है ना, तुम जाओगे दुकान पर 1,000-1,500 का चेप देंगे ने, एवें का कोट जहा।
ਤਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਫੀ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਰੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੋ ਕੋਵਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਡੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾ ਹਾਊ ਮੱਚ ਫੋਰ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਮੱਚ ਫੋਰ ਮਨੀ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਜਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 50,000 ਡੋਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਯਾ ਯਾ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਯਾ 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 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਟਸ 11 ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਟਸ 11 ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਨੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਬੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕੋਟੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਮੇਡ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੈ ਐ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਓ ਇਹ ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੈਂਡ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੈਂਡ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲੈ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟ ਜੇ ਹਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਉਰੇ ਆਈ ਅਰਮਾਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਐਨਕਾ ਆਉਣਗਾ ਦਾ ਬਰਸਾਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਭਾਊ ਹੈਂ ਐਲਾਨੇਦਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਮਨੀ ਮਨੀ ਹਾਊ ਮੱਚ ਸਮ ਸਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਊ ਦੇਖ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਵੀ 90 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ 300 ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਆਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਜੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਤੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਪਏ ਨੇ ਉਰੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਰੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਾਈ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਸਟ ਫੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਬਾਕੀ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੀਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕੋ ਸਸਤੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਬਰੂੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਬੂਟ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਆ ਬਟੂਏ ਪਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਾਇਟੀ ਉਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਬੈਗ ਜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਟ ਬੈਗ ਯਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯਾ ਲਵ ਲਵ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰੇ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਸਟਾਰ ਬੀਅਰਾਂ ਬੂਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਐਂ ਉਰੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਯਾਰ ਉਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਬੜਾਂ ਜੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਚੜੂਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡ ਛੱਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਛੱਲੀ ਇਹ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚਿਕਨ 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 ਹੈ कच्ची खांदे मैं समार के भुन दे बेबे को मैं खुद ही बैठ गया बेबे अद भुनी दंदी थी मैं समार के भुन के दे देख आप ही भुन लें बेबे को अपन दुकान है कोई चक्कर ही नहीं दम मसाला जहा ला रहे ने कुकड़ी दे इहदे विच गंडे गुंडे पाए हुए ने बाबे इहदे उपर ना प्याज नमक ते तेल जिहदा मसाला बनाया इन्हां दा बड़ा जबरदस्त है एवें दी कुकड़ी मैं कदे नहीं खाई छल्ली जिंदगी च हुण काफी क्राउड हो गया उरे काफी लोग बैठ के खाण वास्ते जदों मैं इत्थों लंघिया सी स्टार्टिंग च तां सारीआं चीज़ां अंदर सी हणा इन्हां दे हुण रात दे 9:30-9:10 बज गए हुण इह बाहर कढ़न लग गए क्योंकि मार्केट हुण जमा पीक ते पहुंच गई बहुत सारे लोग आ रहे ने देखो वधिया है जैकटां जुकटां आ प्रेमी जोड़ा है कट्ठे झूठा खा रहे ने तां आ दुध है यार किंग चाय बिकॉज ऑफ अस फाइनली मार्केट एक्सप्लोर करके आप आ गए होस्टल च ये होस्टल इन्ना का घेंट है ना जो इतों के ओनर है उन्हें हजे तक साढ़े तो पैसे भी नहीं मंगे सानू पूरा दिन हो गया ईवन जी असी स्कूटर रेंट की है ना उन्हें भी पैसे नहीं ले हजे तक यार नहीं होर इन्ने मेरा जिंदगी का तजर्बा इन्ने कंट्रियाँ घूम लिया सब तो पहला अगला पैसे ही लेंदा फिर ही अंदर वड़ना दिंदा है ना कमाल के लोग ने यार बाले नाइस ने ते बाकी उरे हर शहर च ही आई है ना कुड़ियाँ आपे आते हैं या बंदे है ना भी साढ़े ना फोटो लै सैल्फी लै फिर आपके घर जाके स्टोरी सुनाते हैं आपके घर दू भी अज मैं आह बंदा मिले या इतों से है ना तो गल्लां बातां करते घैंट लोग ने आप आ गए माझा बार इतों की ट्रैवलर ही मिलते हैं गल बार हेठा है यार बड़ी भुल भुलैया वर्गी है देखो कि भूत पंगड़ा है भी पूरा ये माझा बार है इतने तुम कोई एंट्री नहीं लैनी क्रेजी हाउस ही है वह भी घेंट है जस्ट कोई भी ड्रिंक लै लेनी है इतने आ सकते हो बड़ा घेंट एक्सपीरियंस ही पता है की सीन होया जो मैं मार्केट घूम के होस्टल आया तो इतने रिसैप्शन से मैं दो तीन ट्रैवलरस होर मिल गए नैदरलैंड की सी एक कुड़ी एक लंडन का सी वह कहें असी बार जा रहे हैं चलेंगे तू साडे नाल महा वाई नॉट तो मैं उन्होंने गया वह माझा बार से मैं जिमें क्रेजी हाउस से है ना मतलब हम लगता भी क्रेजी हाउस तो जाना ही नहीं उ चला जाता वह सेम ही यार भुल भुलैया है ना उत्थे ना कोई टिकट से बस तुम ने कोई भी ड्रिंक लेनी सी कोल्ड ड्रिंक तो रात में गए तो हनेरा बहुत सी डर भी काफ़ी लग रहे थे पर उपर एक सनरूफ से वह बनया हुआ लाइक मून है ना मून पैलेस तो उत्थे बह के तुम पूरी सिटी का व्यू देख सकते हो तो जे दारू दुरू पीने के शौकीन वह भी पी सकते हो तो गल्ला उत्थे मोस्टली ट्रैवलर ही आते हैं सोलो तो असी गए है ना बिच दी गुफावां दे होके आए तो रात के 2 बजे पहुँचे वापस होस्टल तो यह गलबात सी ये कहानी सी जी ब्लॉग वधिया लग्या लाइक करियो तो जे नवें चैनल सबसक्राइब कर लो अपने 2-4 बैलियां नाल शेयर करो।